आज मैं आपको, आपने सिंगर तो देखे होंगे, सिंगर मशीनें भी देखी होंगी, तो उस हवाले से मेरा एक आर्टिकल है। अजीब ज़माना है, पिस्तौल तो साइलेंसर वाले मिलते हैं मगर रक्षे सियासतदान उमर जसवाल और आरफ लोहार बगैर साइलेंसर मिलते हैं। आपने दुनिया में देखा होगा कि फीमेल सिंगर्स जो होती हैं वो ज़्यादा पॉपुलर होती हैं, भला क्यों? उनका गाना आप देख भी सकते हैं। मेल सिंगर का तो सिर्फ सुनाई देता है ना। हमारी एक वज़ीर की पसंदीदा सिंगर है महवेश हयात। उन्होंने तब महवेश हयात को बेस्ट सिंगर का अवार्ड देने की ऑफ़र की थी जब अभी महवेश हयात ने गाना भी शुरू नहीं किया था। इसी तरह मोमना मुस्तहसन एज ए सिंगर तब ज़्यादा मशहूर थी जब वो गाने में बैठकर राहत फ़तेह अली खां को देख रही थी। जब खुद गाना शुरू किया तो पॉपुलरिटी कम हो गई। अलबत्त मीशा शफी को इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, भला क्यों? क्योंकि वे ब्यक वक्त मेल सिंगर और फीमेल सिंगर दोनों कैटेगरीज में गा सकती है। मजा नगार होने के नाते मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं ताहिर शाह को अपना पसंदीदा सिंगर कहूँ, क्योंकि एक चैनल के एमडी के मुताबिक ताहिर शाह का जो लेटेस्ट गाना है ना उसका ग्राफ ऊपर नहीं ले जा सका। उनके ख्याल में पहला गाना अगर बुरा हो तो दूसरा बहुत बुरा और तीसरा बहुत ही बुरा होगा तो ग्राफ ऊपर जाएगा। अताउल्लाह ईसा खेलवी दर्द के होलसेल डीलर हैं। आवाज़ में इतना दर्द है कि उनका गाना सुन लो तो महबूबा छोड़कर ना भी गई हो तो लगता है छोड़ गई है, हमें ही पता नहीं चला। दो गाने सुन लो तो महबूबा की शादी आपसे भी हुई हो तो आपको लगेगा किसी और से हुई है। उनका गाना सुनकर दाद देने की बजाय तसल्ली देने को दिल करता है। जब उन्होंने गाना बनेगा नया पाकिस्तान गाया तो गाने में इतना दर्द और तकलीफ थी कि सुनकर तब ही पता चल गया था कि नया पाकिस्तान कैसा होगा। अली अजमत हमेशा इतना ऊंचा गाते हैं, समझ नहीं आती उनको कैसे पता चल जाता है कि उनके सुनने वाले बहुत दूर दूर हैं, इसलिए ऊंचा गाते हैं ना। अली जफर वो सिंगर है, उसका गाना सुनो तो लगता है एक्टर अच्छा है, एक्टिंग देख लो तो लगता है सिंगर ही अच्छा है। आयशा उमर ऐसी सिंगर है, गा रही हो तो यही लगता है सॉरी कर रही है। अच्छा, वो सॉरी भी अजीब लफ्ज़ है। बंदी बोले तो स्टोरी ख़त्म, बंदा बोले तो गुस्सा ख़त्म, डॉक्टर बोले तो बंदा ख़त्म। शहजाद राय इतने अच्छे इंसान हैं, वो जो भी गाएं हम दाद देते हैं, ना गाएं तो ज़्यादा दाद देते हैं। जवाद अहमद से किसी दोस्त ने पूछा सिंगर और सिंगर मशीन में क्या फ़र्क है, बोले अबरारुल हक के सवाल मुझसे ना पूछो। वैसे अबरार कमाल का सिंगर है, उसे सुनने वाले इतनी दाद नहीं देते जितनी ज़ुकात देते हैं। जवाद हमें गाते अच्छे लगते हैं, आपने उसे बोलते नहीं सुना वरना आपको भी गाते अच्छे लगते। नुसरत फ़तेह अली खान ने जब गाया किन्ना सोना तनु रब ने बनाया तो हर सुनने वाले को महबूब सोना होने पर यकीन हो गया। अब वही गाना आतिफ असलम ने गाया है तो खुद महबूब को अपने सोना होने पर डाउट हो गया है। महबूब के साथ साथ कोक स्टूडियो वालों को भी आतिफ असलम पर केस करना चाहिए, क्योंकि बड़े सिंगर्स के गाने ख़राब करने के कॉपीराइट तो सिर्फ कोक स्टूडियो के पास हैं, ये आतिफ असलम कहाँ से आएगा? एक जानने वाली कहने लगी कि कोक स्टूडियो उस स्टूडियो को कहते हैं जो गानों को डिकम्पोज करके कोक बनाते हैं। मैंने कहा तुम जरताज गुल हो, बोली नहीं, तो मैंने कहा फिर नॉर्मल बातें करो। पाकिस्तान वो मुल्क है जो दुनिया को सुप्रीम क्वालिटी के कपड़े, काटन, साबक आर्मी चीफ और सिंगर एक्सपोर्ट करता है। इंडिया की नई फिल्में रिलीज़ बगैर गानों के हो रही हैं आजकल, भला क्यों? उन्होंने पाकिस्तानी सिंगर्स पर बैन जो लगा रखा।